राजीव गांधी जी को लगा कि इनका साथ काम करना आसान नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ टफ नट टू क्रैक। नरसिम्हा राव जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको बेल मिली। उस बेल की श्योरिटी माँ दी थी, मेरी माँ ने दी थी। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी बॉडी AICC का दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। वो जो ट्रक AICC के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि इनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए, तो उन्होंने चुप कहा रहा, कुछ बोला नहीं। तो इस बात, ये ऐसी एक बात है, बाकी सारे बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये ऐसी एक बात है, इसलिए शायद इसलिए इस बात से मेरे फादर कभी सोनिया गांधी जी को शायद माफ़ नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री होने के बाद भी बहुत दिन तक प्रधानमंत्री जी ने प्रणब मुखर्जी को सर बोल के पुकारते थे। बाबा ने बहुत दफ़े उनको मना किया कि आप सर मत बोलिए, दैट इज़ नॉट राइट। अहमद पटेल जी उनसे एक बार मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी जी को ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए और प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उन्होंने बस सिर्फ मेरे फादर ने इसी बात का जिक्र किया। एक मोदी जी का साथ पर्सनल केमिस्ट्री डेफिनेटली था और मोदी जी ने खुद मुझे ये बात बताई, बाबा का डायरी भी ने देखा, जब भी पर्सनली वो मिलते थे मोदी जी हमेशा बाबा के पैर छूते थे। एज अ पॉलिटिशियन बाबा का मानना ये था कि इंदिरा जी के बाद लोगों का नफ्स समझने का जो शक्ति है वो मोदी जी में है। उन्होंने बोला मैं कौन होता हूँ RSS को लेजिटिमेसी देने का, ये भारत की जनता ने RSS को लेजिटिमाइज किया कि RSS की प्रचारक को बहुत ही भारी बहुमत से जिता के। राहुल गांधी में गांधी नेहरू फैमिली की पूरी तरह से उनकी एरोगेंस है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल गांधी नेहरू फैमिली की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, वो नहीं है। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। एंड आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, दो इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बट आई कैन सी कि आप सब यहाँ बैठे हैं। खैर, यूथ की गर्मी है और अलग। अभी जब तक रुकेंगे लास्ट में तब पता चलेगा। तो ये पुस्तक मैम ने लिखी है, प्रणब माई फादर, ये सिर्फ एक बेटी का और अपने पिता के बारे में जो उनके बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं है, सिर्फ एक भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बहुत इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है। बहुत सारी जो मिसिंग पीसेस हैं हिस्ट्री के, उसके बारे में आपको पता चलेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। थैंक यू मैम फॉर राइटिंग दिस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रणब मुखर्जी के एस्पेक्ट्स जो थे वो लोगों को नहीं पता थे। तो एक साइड की जो स्टोरी हमको पता चलती है, जो लोग अक्सर बोलते ज़्यादा हैं उनकी बातें ज़्यादा निकल के आती हैं, लेकिन जो आपने लिखा है उनकी डायरीज़ में, क्योंकि वो डायरी लिखते थे और मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा उनकी डायरीज़ थी, तो 70s से लेके और अभी तक 2020 तक, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एक वेल्थ है पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो शर्मिष्ठा जी ने रिवील किया है। तो मैम, जो मुझे इसमें दिखा, जो समराइज मैं करना चाहूँ, तो ऐसा दिखता है कि हम जैसे डिस्कशन करेंगे इस पर, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो रिलेशनशिप रही विभिन्न लोगों से, उसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं जो उनके, आपने लिखा भी है कि जो वुमेन एस्पेक्ट है उनका, कि उनकी जो रिलेशनशिप रही, तीन चार वुमेन जो उनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया शुरुआत में, उनमें एक इंदिरा गांधी थी, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनकी कैसे, क्या रिलेशनशिप थी, उनसे कितना सीखा और क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको लगे कि अगर उनके पास वो उनके सानिध्य में नहीं होते तो नहीं सीख पाते, तो क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा उनकी जो रिलेशनशिप थी इंदिरा गांधी के साथ एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ जनरल रिलेशनशिप ऑल्सो? धन्यवाद। लेकिन आपका सवाल देने से पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि तीन महिलाएं मेरी फादर का ज़िंदगी पूरा शेप किया हैं, उनकी डेस्टिनी, एक तो इंदिरा गांधी जी और बाकी दोनों गलत मत समझिएगा, एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी। और इस बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि उन दोनों ने भी कोई पॉलिटिक्स का साथ कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरी फादर की ज़िंदगी को बहुत ही मतलब एक डायरेक्शन दिया। और चौथी औरत जो है उनकी बेटी, जो उनको उनकी कहानी बताई है, इंदिरा जी का बात आप कर रहे हैं, मेरी फादर की ज़िंदगी की आखिरी दिन तक उन्होंने ये बात हमेशा प्राइवेटली पब्लिकली खुलकर ये कहा कि आज वो जिस भी मकाम पर हैं वो सिर्फ इंदिरा जी की वजह से, क्योंकि इंदिरा जी उनकी मेंटर थे,
इंदिरा जी की नज़र में वो पहले दफ़े आए जब एज अ फर्स्ट टाइम एमपी, राज्यसभा का एमपी संसद में भाषण दे रहे थे, तो इंदिरा जी तब हाउस में आए और उनका भाषण सुना, और फिर बाद में उन्होंने जब चीफ व्हिप थे ओम मेहता जी उनसे पूछा कि ये कौन है, ये लड़का कौन है। तो तब से लेके फिर मतलब उसका पूरा एक जो सिलसिला और जिस तरह से मेरे फादर इंदिरा जी का घनिष्ठ आते गए, ये नहीं कि जिस दिन मिले उसी दिन से बिल्कुल इंदिरा जी की क्लोज सर्किट में, उनको अर्न करना पड़ा। मेरे फादर को उनकी ट्रस्ट जो है वो अपनी मेहनत से, अपना काम से उनका ट्रस्ट अर्न करना पड़ा, अपनी लॉयल्टी से। लेकिन इंदिरा जी का सबसे बुरा समय जो आया इमरजेंसी के बाद 1977 की चुनाव में, बिल्कुल खासकर नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गए, और खाली चुनावी बात नहीं, तब कांग्रेस की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस की, ये कांग्रेस आई होने से पहले की बात है, इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी जी जो कि प्रधानमंत्री थे, ज़बरदस्त एक प्रधानमंत्री थे, उनको बिल्कुल ही साइडलाइन मार्जिनलाइज कर दिया। तो इंदिरा जी को खाली एक जनता पार्टी का साथ ही लड़ाई नहीं, जनता के बीच उनके एक जो इमेज क्रिएट हुआ था इमरजेंसी के दौरान उसके साथ लड़ाई नहीं, लेकिन अपने पार्टी के बीच जो उनकी विरोधिता कर रहे थे, जो एक दिन जो लोग बोलते थे इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, आज वो इंदिरा गांधी को डिजोन कर रहे थे, उनका साथ भी लड़ाई करना पड़ा। तो उस समय जब कांग्रेस आई की स्प्लिट हुई, बहुत ही कम लोग उनके साथ थे, उनमें से प्रणब मुखर्जी भी थे, और उसी दौरान बाबा का साथ उनका जो संबंध धीरे धीरे बढ़ता गया, और बाबा ने इंदिरा जी ने बाबा को सिर्फ खाली पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी नहीं सिखाए, किस तरह से ड्रेसअप, एक फॉर्मल ड्रेसअप करना। मेरे फादर देखिए बहुत ही एक साधारण फैमिली से, एक बंगाल की एक छोटे से गांव से आए थे, वो कोई शोशाबाजी वाले बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, तो किस तरह से ड्रेसअप करना ये तक भी इंदिरा जी सिखाए कि किस तरह से फॉर्मली ड्रेसअप करना। वो जो उन्होंने कहा था ना कि जो ये लड़का कौन है, तो वो लड़के की तरह ही देखते थे उनको, बिल्कुल एक लड़का की तरह ही देखते थे, एक छोटे लड़के की तरह ही देखते थे, और लिटरली मेंटर किया। तो इसलिए बाबा का मतलब तो हमेशा इंदिरा गांधी जी के प्रति जो श्रद्धा रही, और उन्होंने हमेशा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल लाइफ में उन्होंने जो भी अचीव किया, जो भी जिसे भी मुकाम पर पहुंचे, जैसे भी उनकी ट्रेनिंग हुई, वो पूरी तरह से इंदिरा जी की तरफ से, मतलब इंदिरा जी की वजह से हुई। और ये भी देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिसको वो मतलब एक ऐसे देखते थे कि लड़का है जो अभी आया है, और उनको नाम भी नहीं पता था उनका, मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर 80 में तो वो सेकंड इन कमांड हो गए थे एकदम से, 80 से 84 में वो सेकंड इन कमांड ही थे, क्योंकि जब 84 की जब बात करते हैं, और जैसे इंदिरा जी का जो की हत्या हुई, और फिर एक बात चली थी कि जो एलिनेशन हुआ प्रणब मुखर्जी जी का कांग्रेस के साथ, तो इसका एक बड़ा कारण माना जाता है कि वहाँ पे उन्होंने जो गांधी परिवार है वो ये देख रहा था कि उनका भी एक एम्बिशन था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का, कि राजीव की बजाय वो अगर बन सकते थे। एक अरुण नेहरू का भी ये बहुत बड़ा एक चिंता थी कि अगर प्रणब मुखर्जी बन गए तो फिर वो हटेंगे नहीं, शायद उनका एक ये चिंता था। तो उसमें वो जो प्लेन राइड था, जब पता चलता है राजीव गांधी को कि इंदिरा इज़ डेड, तो उस टाइम पे क्या एक्चुअली में क्या हुआ था, क्या उनके डायरी रिकॉर्डिंग्स थे, क्या उन्होंने खुद फील किया इस बारे में? और एक बात ये भी बोली जाती थी कि पीवी नरसिम्हा राव ने ये र्यूमर फैलाया था कि प्रणब मुखर्जी बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या ये रूमर ही था? क्योंकि अगर हम बुक पढ़ें तो हमको पता चलता है कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ तो उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, जिंदगी भर रही। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या कहानी थी कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद वहाँ से लेके राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने तक वो क्या कहानी थी? देखिए इंदिरा जी की जब हत्या का खबर पहुँचे तो बाबा और राजीव गांधी दोनों ही बंगाल में थे, बंगाल में एक पॉलिटिकल रैली अटेंड कर रहे थे। तो जैसे ही खबर पहुंचा वो लोग तुरंत कलकत्ता आए, और कलकत्ता से एक स्पेशल फ्लाइट में वो दिल्ली वापस आए, और कलकत्ते उस फ्लाइट में उनके साथ कुछ तब के सीनियर लीडर्स थे, बलराम ठाकर जी थे, बरकत गनी खान चौधरी जो कि बंगाल में एक बहुत ही सीनियर लीडर थे वो थे,
और शीला दीक्षित जी थे। शीला दीक्षित जी खैर तब इतना ज़्यादा थे नहीं, उनके फादर इन लॉ, शीला जी की फादर इन लॉ जो थे उमाशंकर दीक्षित जी वो थे, कुछ और ऑफिसर्स वगैरह थे। तो बाद में एक ये र्यूमर फैलाया गया कि उस फ्लाइट में बातचीत के दौरान मेरा फादर ने अपना प्रधानमंत्री बनने का इच्छा जताई, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और ये मुझे खाली अपना फादर की डायरी से ही नहीं, ये बात पीसी अलेक्जेंडर जो कि पहले इंदिरा गांधी जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और फिर राजीव गांधी की भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, और राजीव गांधी को इधर प्राइम मिनिस्टर बनाने का पीछे उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने अपना किताब में बिल्कुल खुलासा करके लिखा कि ये र्यूमर जानबूझ के कुछ लोग फैलाए कि जिसके वजह से एक राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी का बीच में दूरी तैयार हो। आपकी सवाल ये है कि र्यूमर कौन फैला था, नरसिम्हा राव जी ने नहीं, ये र्यूमर पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन मेरे बाबा के हिसाब से कि ये र्यूमर शायद बरकत गनी खान जी ने फैलाई थी, क्योंकि बरकत गनी खान चौधरी उन्होंने कहा था, ये चर्चा हो रहा था कि जो लोग थे बलराम झाकर थे, बरकत जी थे, उमाशंकर दीक्षित जी थे, शीला दीक्षित जी थे, इन सब में चर्चा हो रहा था कि अभी इसका बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एक्चुअली उन्होंने पूछा था कि जब गुलजारीलाल नंदा वो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो किस क्राइटेरिया पे बने थे, तो बाबा ने कहा था वो सेकंड इन पोजीशन थे कैबिनेट में, इस वजह से बना था। तो फिर बरकत जी ने बोला लेकिन वो तो अभी कैबिनेट में मिनिस्टर भी नहीं है, तो वो कैसे बन सकते हैं एज एन आउटसाइडर, कैन एन आउटसाइडर बी अ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। और सेकेंडली ये भी चर्चा हुई कि, और बरकत जी ने ये भी बोला था अगर किसी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आई मीन जो मिनिस्टर्स हैं, आइदर प्रणब मुखर्जी या पी वी नरसिम्हा राव। तो हो सकता है कि बाद में बरकत जी को लगा होगा चौधरी जी को कि ये बात अगर फैल जाए कि उन्होंने नरसिम्हा राव या प्रणब मुखर्जी का नाम सजेस्ट किया तो उनके लिए मुसीबत आ सकते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने और भी एक लिथल और भी एक जबरदस्त मसालेदार एक र्यूमर प्लान किया। यहीं से आते थे ना, बंगाल से, तो एक पॉलिटिकल अपोनेंट भी थे, पॉलिटिकल राइवलरी भी थी। लेकिन ये बात सरासर गलत है, और जैसे मैंने कहा कि ये बात बीसी अलेक्जेंडर जी भी ने बोला है। लेकिन मेरे फादर के हिसाब से जो एक मिस्ट्रस्ट, एक तो राजीव गांधी के आसपास के जो लोग थे, अरुण नेहरू जी, अरुण सिंह जी और भी बहुत सारे लोग थे, वो लोग पॉलिटिकल लोग नहीं थे इन अ सेंस, एंड वो बिल्कुल राजीव जी का एक कोठरी तैयार हो गया था। तो ये कोठरी ने भी एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया, और खास सेकेंडली प्रणब मुखर्जी की जो अपनी नेचर थे, वो काफ़ी एक असर्टिव नेचर की पर्सनालिटी थे, और कभी भी वो बात अपना रखते थे तो बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स का साथ। कोई भी जर्नलिस्ट या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उनका साथ अगर इंटरेक्ट किया होगा तो बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही रीज़न, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की ये इस वजह से होना चाहिए क्योंकि ये इसका रीज़न ये है, क्योंकि इसका डेटा ये कहता है, इस तरह से अपना आर्गूमेंट पेश करते थे। तो उनका साथ आर्गू करना एक तो मुश्किल बात थी, दूसरा बात यह है कि इस किस्म के इंसान कभी ब्लाइंडली किसी का लाइन टोन नहीं करते। क्या ब्लाइंडली कुछ भी बोलो कि लीडर अपना उनका कुछ भी बोले, वो इंदिरा गांधी जी का साथ भी बहुत इस तरह के तर्क करते थे, वो तो उनकी मेंटर थी तभी भी। तो इस तरह की, तो हो सकता है कि राजीव बाबा ने खुद ही अपना नोट्स में लिखा कि मे बी राजीव गांधी जी को लगा कि इनका साथ काम करना आसान नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ टफ नट टू क्रैक। सो शायद यही वजह थी। और देखिए किस्मत का खेल कि अगर 1984 में जब राजीव गांधी वापस आए फुल मेजोरिटी के साथ, तब उन्होंने वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो अल्टीमेटली उनकी मतलब खिलाफ में चले गए, और वो कारण बने कि वो हार गए बुरी तरीके से। और अरुण नेहरू पे जो ट्रस्ट किया, अरुण नेहरू ने बोफोर्स का लीक किया अल्टीमेटली, वो भी देखिए। और फिर एक काम जो हुआ, प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई पार्टी बना ली, वो कांग्रेस से निकल गए। और फिर 1991 में जब एक बार दोबारा ये चॉइस आई कि किसको बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, तो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण, प्रणब मुखर्जी उस समय कंटेंशन में नहीं थे इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से बाहर चले गए थे। तो हो सकता है कि अगर उस समय वो बाहर नहीं जाते और अपनी पार्टी नहीं बनाते तो
तो पीवी नरसिम्हा राव की जगह शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, क्या उनको ऐसा लगता था कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक तो वो बस तभी तभी वापस आए थे, और ये सारे बातें बहुत स्पेकुलेटिव है कि अगर वो नहीं जाते, अगर पार्टी नहीं बनाते, इट्स टू मेनी व्हाट इफ्स, तो ये बात का बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल, मतलब जो भी कि पीवी नरसिम्हा राव जी जो भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसमें सोनिया गांधी जी का भी उसमें सहमति थी, तो सोनिया गांधी जी का सहमति से ही नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और सीनियर मोस्ट थे कैबिनेट में भी, सीनियर मोस्ट एज वाइज थे, वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो गए थे, पैक कर लिया था सब कुछ, ऑलमोस्ट क्या रिटायर हो गए थे, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़े, हाँ वो टिकट ही नहीं दिया था राजीव गांधी ने, चुनाव भी नहीं लड़े, टिकट भी नहीं मिला था, तो वो तो रिटायर हो गए थे, लेकिन देखिए किस्मत की बात है। अच्छा, अभी हम नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके उनकी जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये कहीं पे भी एस्पेक्ट कहीं किसी भी पॉलिटिकल बुक में या डिस्कशंस में आता ही नहीं है कि प्रणब मुखर्जी और पीवी नरसिम्हा राव की क्या रिलेशनशिप थी बियॉन्ड पॉलिटिक्स ऑल्सो, तो ये बताइए पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज वेल एज देयर फ्रेंडशिप। देखिए, एक बाबा का एक कॉमनैलिटी जो थे बाबा और पीवी नरसिम्हा राव के बीच में, उम्र में काफ़ी फ़र्क थे, नरसिम्हा राव जी काफ़ी सीनियर थे, लेकिन दोनों ही वोरेशियस रीडर्स थे, और उनके पढ़ने का इंटरेस्ट खाली पॉलिटिक्स में ही सीमित नहीं था, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, तो उनके जो डिस्कशंस वो तो मैं भी बचपन में थोड़ा बहुत मैं भी देखी हूँ कि मतलब अलग अलग दिशाओं में जाते थे, कभी सॉक्रेटिस के बारे में बात कर रहे थे, तो कभी रोमन हिस्ट्री के बारे में बात करते थे, तो कभी शरद चंद्र पर चर्चा करते थे, और इनफैक्ट 1970s में वो बाबा को हैदराबाद में बुलाए थे, शरद फेमस बंगाली राइटर शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, उनके ऊपर एक जैसे ऐसे ही तब तो उस ज़माने में लिट फेस्ट नहीं होता था, सेमिनार्स होते थे, तो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर एक सेमिनार में तब वो बाबा को इन्वाइट किए थे, और उनके साथ मेरे माँ का भी एक बहुत अच्छा संबंध था, और नरसिम्हा राव जी मेरे हमारे घर में आते थे, माँ का हाथ का बंगाली वेजिटेरियन फूड उनको बहुत पसंद था, और नरसिम्हा राव जी का जब बुरा वक्त आया इलेक्शन हारने के बाद, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं थे, सीबीआई की केसेस वगैरह उनके ऊपर काफ़ी, और तब तो कांग्रेस या उनके आसपास के सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन तब मुझे, और इस बात को मुझे तब पता चला कि मेरी मदर जाने की बात, उनकी 2015 में मेरी मदर की देहांत हो गई, जब उनके पेपर्स मैं सॉर्ट आउट कर रही थी, तो मुझे उनका वो कॉपी मिला कि जब नरसिम्हा राव जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको बेल मिली, उस बेल की श्योरिटी माँ दी थी, मेरी माँ ने दी थी कि अगर नरसिम्हा जी मतलब नेक्स्ट कोर्ट में अपेयर ना करे या किसी भी तरह से भाग जाए, तो उसके लिए गारंटी एक देना पड़ता है, तो वो श्योरिटी, वो गारंटी मेरी माँ ने दी थी, तो इतना घनिष्ठ संबंध था, और उस टाइम पे दी थी जब सभी तो कांग्रेस वाले छोड़ दिए थे उनको, बिल्कुल, और गांधी फैमिली में इतना वो डिसअप्रूव करते थे कि कोई भी उनके साथ ना जाए, ये डायरेक्शंस भी थी, ये डायरेक्शंस भी थी, मेरा फादर के पास भी ये डायरेक्शंस किसी के माध्यम से आया था, जिनके बारे में मैंने किताब में भी लिखा, और नहीं सबसे बड़ी बात जो ये है, जो बात मेरी फादर की उनकी एंड तक मतलब ध्यान जब तक हुई नहीं हुई तब तक चुपते रहा, कि जिस तरह से नरसिम्हा राव जी का देहांत के बाद उनकी बॉडी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स AICC में घुसने नहीं दिया गया, ये एक कस्टम है जो भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, अभी जैसे कुछ साल पहले प्रिय रंजन दासमुंशी जी के देहांत हो गए थे, या शीला दीक्षित जी के देहांत हो गए थे, मतलब उनके बॉडीज AICC में लाया जाता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी बॉडी AICC का दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया, वो जो ट्रक AICC के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए, और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि इनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए, तो उन्होंने चुप कहा रहा, कुछ बोला नहीं। तो इस बात, ये ऐसी एक बात है, बाकी सारे बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये ऐसी एक बात है, इसलिए शायद इसलिए इस बात से मेरे फादर कभी सोनिया गांधी जी को शायद माफ़ नहीं कर पाए कि किस तरह से एक, जैसे आपने बोला, फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट,
उनके गुजर जाने के बाद उनको बॉडी को अंदर क्यों नहीं लाया गया, इस बारे में मतलब बहुत ही नाराज थे। और वो कहीं ना कहीं उनको चुभता रहा। 2019 में भी जब भारत रत्न मिला उनको, तो उसमें भी कांग्रेस वाले नहीं आए थे, गांधी फैमिली नहीं आई थी। तो उन्होंने ये लिखा था कि जब वो नरसिम्हा राव के डेड बॉडी को अंदर नहीं आने दिया उन्होंने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में, तो ये तो बहुत छोटी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और 2019 में या 2020 में आई थिंक नरसिम्हा राव जी की सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी सेंटेनरी मनाया जा रहा था, तो तब तेलंगाना का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने एक कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया था। तो फिर बाबा ने भी उस टाइम में डायरी में लिखा, जो मुझे बाद में पता चला उनके देहांत होने के बाद जब मैंने डायरी पढ़ी, तो उन्होंने लिखा था ये प्रोग्राम एआईसीसी को तरफ से करना चाहिए था, क्योंकि नरसिम्हा राव जी सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के नेता नहीं थे, वो पूरे मतलब वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। तो ये प्रोग्राम जो है वो एआईसीसी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर ये भी बोला, लेकिन सभी को पता है कि कांग्रेस तब सोनिया जी के बारे में मतलब सोनिया जी का उनकी प्रति क्या विचार है, तो शायद इसलिए नहीं किया। अच्छा, इसमें एक रिलेशनशिप जो सोनिया जी की आती है इसमें, तो उनका पॉलिटिकल मुझे लगता है जिसमें इतना किताब में पढ़ा कि पॉलिटिकल ज़्यादा उनका रिलेशनशिप रहा उसके बाद नरसिम्हा राव जी के बाद, फिर वो फैमिली रिलेशनशिप्स और उस तरीके की फ्रेंडशिप्स वो नहीं रह पाई शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी फॉर्मल पॉलिटिकल रिलेशनशिप रही, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रहे, लेकिन फॉर्मल रिलेशनशिप रहे। उसको आप किस तरीके से वो मतलब उनके जो पोजीशनिंग थी, क्योंकि जब 2004 में जैसे कांग्रेस जीत के आई, तो उस टाइम पे भी कम से कम मीडिया में तो चला ही था कि या तो मनमोहन सिंह बनेंगे या फिर प्रणब मुखर्जी बनेंगे, ये दो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे। तो उनको तो पूरा श्योर थे वो कि सोनिया गांधी मुझे नहीं बनाने वाली हैं। जी, उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि सोनिया गांधी उनको नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि उस दौरान एक बातचीत में मैंने उनको बहुत ही खुशी खुशी पूछा, अरे बाबा आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि नहीं नहीं, मुझे सोनिया गांधी नहीं बनाएंगे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाएंगे। और बाद में भी उन्होंने मुझे कहा कि यू नो, बहुत दिन बाद मतलब जो प्रेसिडेंट शेलियर्स में उनका, तो कोई बातों बातों में उन्होंने बोला कि देखो एक चीज़ याद रखो कि पॉलिटिक्स कट थ्रोट वर्ल्ड है। तब मैं पॉलिटिक्स में थी, तब मैं पूरी तरह से कांग्रेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, कि पॉलिटिक्स में सभी अपना इंटरेस्ट बचा के काम करते हैं। तो शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी जी को लगा कि मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करूँगा, तो वो सिर्फ अपना और अपना परिवार का इंटरेस्ट वो सेफ गार्ड कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सोनिया जी को अथॉरिटी चैलेंज करते, तो उन्होंने कहा करता या नहीं करता दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट उनको ऐसा लगा। तो इसमें आर्गूमेंट की क्या बात है, उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगा, शायद लगा होगा इसलिए मुझे नहीं बनाए, तो as simple as that। अच्छा, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग, जिनको बनाया मनमोहन सिंह, इनकी और प्रणब मुखर्जी की भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, तो उसको आप कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बता सकें, या मतलब वो उनको मानते थे, क्योंकि अगर आप देखें तो 80s में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनको अपॉइंट RBI गवर्नर प्रणब मुखर्जी ने ही किया था, तो वो कैसी रिलेशनशिप थी? देखिए बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक इज अ ट्रू जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन, ये बार बार लिखते थे उनके बारे में, बार बार बोलते थे, ये बार बार लिखा है। और मेरा साथ कभी भी उनका साथ जब बातचीत हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेके, वो हमेशा बोलते थे ये ट्रू जेंटलमैन। और ये तो मतलब ये बहुत मतलब सारे सीनियर जर्नलिस्ट को और उस ज़माने में जो कवर करते थे उनको पता ही है, इट सीम्स प्रधानमंत्री होने के बाद भी बहुत दिन तक प्रधानमंत्री जी ने प्रणब मुखर्जी को सर को बोल के पुकारते थे। बाबा ने बहुत दफ़े उनको मना किया कि आप सर मत बोलिए, दैट इज़ नॉट राइट यू नो, बट वो बोलते थे। फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि वो प्रणब जी बोलेंगे, और सो इस तरह से मतलब वो इस तरह की एक इज्जत थी। सो एक ज़बरदस्त मतलब एक इक्वेशन था, एक बहुत अच्छी तरह से। और बाबा ने खुद अपना किताब में लिख के गए, उनकी जो प्रेसिडेंशियल ईयर, उनकी पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी की 4th volume द प्रेसिडेंशियल ईयर, उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्रियों का साथ काम करने का जो
उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने खुद लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का साथ काम करने में उनकी जितनी ऑटोनॉमी रही, जितनी फ्रीडम रही, इतनी फ्रीडम, इतनी ऑटोनॉमी और किसी प्रधानमंत्री का साथ नहीं रहा। हाँ देखिए, ऑटोनॉमी के मतलब उन्होंने कितने रेजिग्नेशन दिए उस मतलब 8 साल में कितने, 10-12 रेजिग्नेशन दिए, बहुत सारे एक्सेप्ट कुछ नहीं हुआ उसमें से। आखिरी जो मौका मिला उनको, जो उनको लगता होगा कि शायद इस समय मैं बन सकता था प्राइम मिनिस्टर, तो एक उम्मीद तो रहती है जो पॉलिटिक्स में रहते हैं और इस ओहदे पे रहते हैं। तो वो 2012 में था कि एक रूमर चला था कि शायद मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट बना देंगे और प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो उनको वो वास्तव में लगता था कि ऐसा है या रूमर ही था? हाँ, वो अहमद पटेल जी से, ये अहमद पटेल जी उनसे एक बार मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी जी को ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए और प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो उन्होंने बस सिर्फ मेरे फादर ने इसी बात का जिक्र किया और फिर बाद में उन्होंने किसी और कुछ दिन बाद वो सोनिया जी से मिलने के लिए गए और उन्होंने लिखा कि शायद उनसे बातचीत से लगा कि हो सकता है, जो डायरेक्टली कुछ नहीं कि बनाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अहमद पटेल का बाद ये जो बात हुआ था, अहमद पटेल जी ने उन्हें बताया था, हो सकता है कि इसमें उसका लास्ट जो एक उम्मीद वो जगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी जो भी इस पुस्तक को पढ़ रहा है, एक सवाल और प्रणब मुखर्जी के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद और 2014 के बाद खासकर एक सवाल आता ही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी करीबी कैसे बढ़ गई? मतलब ये 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड है कि एक तो वेटरन कांग्रेस लीडर हु कुड हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस साइड, और वो एक बीजेपी प्राइम मिनिस्टर के साथ इतना कि उन्होंने तो भारत रत्न उनको दे दिया। तो ये क्या पर्सनल कितना था इसमें, क्योंकि कई लोग बोलते हैं वो तो बंगाल इलेक्शन में थोड़ा मोदी जी को वोट चाहिए था इसलिए, तो क्या केमिस्ट्री था ये कि इतना मानते थे मोदी जी उनको, क्योंकि ये सब इस पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। देखिए, एक तो जो मेरी फादर की इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, उसकी संवैधानिक प्रेसिडेंट का क्या रोल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उस बारे में, और एक प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या लिमिटेशन है, उस बारे में मेरे फादर बहुत ही सजग थे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नेंस, वो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है, वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की ड्यूटी है, उसमें प्रेसिडेंट कोई भी दखलअंदाजी नहीं कर सकते हैं। इस बात पे बाबा बहुत ही क्लियर थे इस बात पे। और शायद ये जो स्मूथ ट्रांजिशन, ये भी एक हमारे लोकतंत्र की एक अच्छा या बोल सकते हैं। और बाबा को तो हमेशा एक कंसेंसस जनरेटर कहा जाता था कि, और खाली मोदी जी से भी नहीं, मोदी जी से पहले भी अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, एलके अडवाणी जी, दूसरी तरफ लेफ्ट में ज्योति बासु, बुद्धदेव बासु, अक्रॉस पार्टी लाइन उनका एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन एक मोदी जी का साथ पर्सनल केमिस्ट्री डेफिनेटली था। और मोदी जी ने खुद मुझे ये बात बताई, बाबा का डायरी भी मैंने देखा, जब भी पर्सनली वो मिलते थे मोदी जी हमेशा बाबा के पैर छूते थे। और ये बात आज की बात नहीं है, ये बात मैं मोदी जी से जानी, ये बात बाबा का डायरी में इसका जिक्र नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि जब, मतलब बहुत पहले, जब वो कुछ भी नहीं थे, आई मीन एज अ मतलब 2002 से पहले, और बहुत पहले 2002 से बहुत पहले, कि जब मतलब गुजरात चीफ मिनिस्टर बनने से बहुत पहले, जब भी वो मतलब दिल्ली वगैरह में एज अ वर्कर आते थे, तो साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू एरिया जहाँ एमपी फ्लैट्स वगैरह है वहाँ रहते थे, मेरा फादर भी आसपास रहते थे, तो हमेशा वो कभी कभी बॉन्डिंग वॉक्स में निकल जाते थे और मोदी जी ने बातें बता दें, एक लाठी पकड़ के ऐसे 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 चलते थे। तो हमेशा उन्होंने बाबा का पैर छुआ, बाबा हमेशा उनके साथ अच्छी तरह बात की। तो ये एक जो रेस्पेक्ट, ये बहुत पहले वाली बात है, ये कोई बात नहीं है। तो एक आई थिंक पर्सनल जो रिलेशनशिप है, और बाबा की, बाबा खुद मोदी जी को पर्सनली बहुत पसंद करते थे, उन्होंने खुद भी अपना किताब में भी लिखा कि जितना मतलब मोदी जी को कुछ रिपोर्ट तैयार करना था, तब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उनका ऊपर एक जिम्मेवारी दिया गया कोई एम्पावर्ड ग्रुप में, उसमें कुछ रिपोर्ट लिखना था अबाउट रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी बिल, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन
तो उन्होंने, बाबा ने अपने बुक में उसका बहुत तारीफ करके लिखा कि एनडीए मीटिंग्स या मतलब चीफ मिनिस्टर का साथ मीटिंग्स में वो हमेशा बहुत ही मतलब उनका साथ मेरा हमेशा एक्सचेंज ऑफ हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ। लेकिन वो रिपोर्ट जब बन के आया तो बिल्कुल प्रोफेशनल, उसमें कोई पॉलिटिकल बायस नहीं। तो ये जो मोदी जी की एक प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, इस बात को बाबा बहुत पसंद करते थे कि उसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं। दूसरा, एज अ पॉलिटिशियन बाबा का मानना ये था कि इंदिरा जी के बाद लोगों का नब्ज समझने का जो शक्ति है वो मोदी जी में है। ये बात उन्होंने अपना डायरी में भी लिखा, उन्होंने बहुत दफ़े मुझे भी कहा। और ये बात तो आई थिंक हम सभी, हमें, हम उनको मोदी जी को पसंद करें ना करें दूसरी बात है, लेकिन ये बात जो है उनका नब्ज, लोगों की जो जनता की नब्ज पकड़ने की क्षमता जो है और जो एक पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी गुण है, ये बात उनमें है, वो तो हमने देख ही लिया। नहीं, सही बात है। और आप भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स करते थे तो आपसे भी थोड़ा वो चिढ़ जाते थे जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो आखिरी में इंसिडेंट जब वो हुआ, जब उनको आरएसएस प्रमुख ने बुलाया नागपुर, तो वहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया जाने का, और फिर एक रूमर ये भी फैला कि आप भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये क्या कहा, क्योंकि आपने भी ये कहा कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बट आफ्टर ही गेव हिज स्पीच तो आपने भी थोड़ा अपना व्यू बदल लिया। तो वो क्या कहानी थी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आरएसएस हेडक्वार्टर्स जाना नागपुर में, और उसकी क्या कहानी थी? देखिए, ये बात तब मैं आरएसएस का जब इनविटेशन आया कि उनके आरएसएस हेडक्वार्टर में उनकी ट्रेनिंग कैंप में उनको जाके स्पीच देना, और ये बात जब पता चला मुझे भी मतलब बाकी सबका साथ मुझे भी टीवी से ही पता चला, तो मैं भी बहुत खफा हो गई, क्योंकि तब मैं बिल्कुल बहुत ही एक्टिवली कांग्रेस पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व थी। और कांग्रेस और लेफ्ट सर्कल में तब एक वो बात चल रहा था कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस हेडक्वार्टर में जाके आरएसएस को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। तो मैं तो तीन चार दिन बाबा का साथ कंटिन्यूसली झगड़ा, उनका साथ मतलब चीख चिल्लाहट रोना धोना, वो बिल्कुल चुप रहे कि कोई मेरा कोई बात का। बस एक दिन मुझे गुस्सा होकर मुझे बोला कि मैं कौन होता हूँ, मैं यही बात बोल रही थी, तुम आरएसएस में जाके तुम उनको लेजिटिमाइज कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं कौन होता हूँ आरएसएस को लेजिटिमेसी देने का, ये भारत की जनता ने आरएसएस को लेजिटिमाइज किया कि आरएसएस को, आरएसएस की प्रचारक को बहुत ही भारी बहुमत से जिता के। और गणतंत्र, लोकतंत्र का सबसे बड़ी जो एक पिलर है वो है डायलॉग्स, वार्तालाप, तो वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। आप उनकी आइडियोलॉजी में विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये जो आपस में एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग, ये उनके हिसाब से लोकतंत्र का, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ी एक अहम इस भूमिका है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि बाबा ने जब जाके आरएसएस के प्लेटफॉर्म से भाषण दी, तो आरएसएस के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कांग्रेस आइडियोलॉजी की प्रचार करी, सेकुलरिज्म की, प्लूरलिज्म की, टॉलरेंस की। आरएसएस के प्लेटफॉर्म से जाके उन्होंने पंडित नेहरू की बात करी, जो आरएसएस का मतलब जो पंडित नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि इस बात में मैं उस तब मुझे काफ़ी दिन बाद मैं जब इस बारे में, खासकर उनको जाने के बाद इस बारे में विषय में मैं सोचती रही, तो मुझे लगा कि मैंने गलती किया। बाबा ने शायद उनकी आरएसएस जाने से करंट जो कांग्रेस लीडरशिप है वो शायद दुखी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपलिफ्ट किया। अच्छा, एक जो सभी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जिनके अंदर जिज्ञासा है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है कि उनका जो ओपिनियन था राहुल गांधी के प्रति, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आता है कि जो मीडिया में जो बात चलती है, जो ट्विटर पे बात चलती है कि इज़ येट टू मैच्योर और ये सब, वो एग्जैक्टली वही उनका एनालिसिस भी था कि अभी तक वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं। कि उन्होंने लिखा है एग्जैक्टली कि 12 साल हो गए इनको और इट्स टाइम कि चलो बेटर लेट देन नेवर, इस टाइप की वो मतलब सार्केस्टिकली वो कमेंट्स करते थे। देखिए, इस बात पे बहुत चर्चा हुई है। और एक दूसरा जो इंसिडेंट, यूपीए 2 का सरकार एक ऑर्डिनेंस पेश करने के लिए सोच रहे थे, प्रेसिडेंट के पास पहुंच भी गया था,
और उस ऑर्डिनेंस को एक मीडिया भरपूर मीडिया का सामने राहुल गांधी ने अपना ही सरकार को, तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अपना ही सरकार की एक ऑर्डिनेंस को बहुत ही मतलब नॉनसेंस कहा कि ये नॉनसेंस है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, मतलब इस तरह से उन्होंने ट्रैश किया, बिल्कुल बेकार कहा। तो बाबा ने इस बारे में भी बहुत गुस्सा हो गए थे, मैंने उनको इस बात बोला था कि राहुल गांधी ने ऐसे किया है, अभी न्यूज़ में देखा तो बहुत गुस्सा हो गए थे बहुत ही इस बात से। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी उन्होंने खुद भी अपोज किया था ऑर्डिनेंस, लेकिन पब्लिकली नहीं, ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोर्स, ऑन प्रिंसिपल, लेकिन पब्लिकली जिस तरह से उन्होंने क्रैश किया, और बाद में उन्होंने कहा जब 2014 में हारने के बाद, एक बार इस तरह बुरी तरह से हारने के बाद, तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे अपनी ही पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, तब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे, अपने ही पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट अपना ही सरकार के डिसीशन को इस तरह से मतलब नॉनसेंस बोल रहे हैं, तो लोग तुम्हें क्यों वोट दें, सिंपल। तो ये बात वो रह गई जो उन्होंने बोला राहुल गांधी के लिए, जब वो ऑर्डिनेंस आपको, आपने बताया उनको कि उसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, हाँ तो बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी कौन होता है ऑर्डिनेंस, एक कैबिनेट डिसीशन को इस तरह से फाड़ने का, क्योंकि राहुल गांधी भी कैबिनेट का कोई मंत्री कोई नहीं थे, कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। और बाद में उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि राहुल गांधी में गांधी नेहरू फैमिली की पूरी तरह से उनकी एरोगेंस है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल, गांधी नेहरू फैमिली की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, वो नहीं है। और ये बात को लेके आज की कांग्रेस की जो नेताएं हैं बहुत मुझसे खफा हो रहे हैं, बाबा से भी खफा हो रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कैसे लिख सकते थे। लेकिन एक बात सोचिए कि कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता या लीडर, उनका क्या हिम्मत होता कि अपना पूरी जनता में सारा मीडिया का साथ, अपना ही सरकार को इस तरह से ट्रैश करें, और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन भी ना लिया गया हो। राहुल गांधी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, रादर वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर गया। तो ये बात, अगर ये घमंड नहीं है तो ये क्या है, ये अपना परिवार का पारिवारिक बैकग्राउंड का घमंड ये नहीं है तो ये क्या है फिर। आप भी काफी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे कांग्रेस की, दिल्ली खासकर, तो आपका छोड़ने का क्या कारण था पॉलिटिक्स? देखिए, मेरा छोड़ने का कारण प्लेन एंड सिंपल, मैं एक क्लासिकल डांस, मैं प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले, वही मेरा प्रोफेशन था। उस बैकग्राउंड से मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, काफ़ी लेट ज्वाइन किया, 5-6 साल बाद मुझे लगा कि ये मेरी बस की बात नहीं है, सिर्फ वही वजह थी और कोई वजह नहीं। और तो ये डिसीशन मैंने जब बाबा रहते हुए ही मैंने निर्णय लिया था, 2020 की फरवरी में दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में तो हम बहुत ही बुरी तरह से हारे, और मुझे लगा कि हम मतलब फाइट भी नहीं किया, हारे तो कोई बात नहीं, यू नो, अगर आप ज़बरदस्त लड़ाई करके हारो, लेकिन ऐसे लगा कि लड़ाई से पहले ही हमने हथियार डाल दी थी, तो बहुत ही बुरा लगा, डिस्गस्टिंग हो गई थी काफ़ी। मैं तो अपना फादर से मैंने पूछा कि बाबा अगर तुम्हें बहुत बुरा लगा कि अगर मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूँ, तो पटाख से उनका जवाब आया, तूने पॉलिटिक्स किया कब जो छोड़ेगी। अच्छा, आपने तो मोदी जी से भी पूछा था कि पॉलिटिक्स का मतलब किस तरीके से चुनाव जीतने के कुछ टिप्स वगैरह मांगे थे आपने? एक शब्दों में उन्हें जवाब दिया, और वो बिल्कुल, संगठन में काम करो, संगठन को मजबूत बनाओ, बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा दिन था, और अभी मैं पॉलिटिक्स के बारे में किताब भी जब लिखा मैंने, काफ़ी सोचा, काफ़ी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज मोदी जी है, एक फेस है, लेकिन उनके संगठन, सोचिए अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ, आई थिंक 35-36 लाख वुमेन मतलब पर्सनली जाके उनके संगठन मिले, आई मीन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, लिटरली यू नो डोर टू डोर, ये संगठन मतलब, ये अकेला मोदी जी अकेला कोई लीडर तो नहीं कर सकते हैं ना, वो कैरिश्मा होना ज़रूरी है, वो विजन होना ज़रूरी है, या दूसरा और भी चीज़ होना ज़रूरी है, लेकिन संगठन आपका जितना अगर मजबूत ना हो तो मुश्किल है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंसाइट है, अगर कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो संगठन में काम करे, और मतलब उसी से पता चलता है कि लोग, जो आपने कहा ना कि इंदिरा गांधी के बाद एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनकी, इनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं किस तरीके से, तो उसका कारण ये है संगठन में काम करने का। आखिरी में अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो
we are very obliged with your presence, ma'am. And I have two questions, one for ma'am and one for sir. So, mera ye prashn hai ki when we have talked about only the political career of our former president, I question ki when a daughter reminds her father, isn't it right ki the daughter only reminds her father's political career? We are here to also listen about Pranab Mukherjee's personal life, our president's personal life, what he was before 1991 and all. And मेरा दूसरा प्रश्न सर के लिए है कि प्रश्न गलत था कि जब प्रणब मुखर्जी का नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत ज्यादा लगाव बढ़ा तब उन्हें भारत रत्न मिला? क्या हमारे इस महान राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान इतना कमजोर है कि वो किसी एक व्यक्ति के जागीर हो गया? क्या आपको नहीं लगता? और मुझे लगता है कि मैम को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी कि जब उन्होंने प्रश्न किया कि जब उनका लगाव प्रधानमंत्री के साथ हुआ या फिर किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ तो उन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी को इसलिए मिला क्योंकि वो डिजर्व करते थे, कि डिजर्व्स भारत रत्न। एंड भारत रत्न हमारा सम्मान है, हमारे हम व्यक्तियों का सम्मान है, इस देश की जनता का सम्मान है कि वो किसी को दे रही है, या किसी एक व्यक्ति का, किसी प्रधानमंत्री का कोई इसमें हक नहीं बनता कि वो इसको अपनी जागीर बनाकर और किसको दे। मैं आपको सारा सवालों का जवाब देती हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि पर्सनल बारी बात नहीं है, उसके लिए आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे प्रश्न ही पॉलिटिकल किया गया तो मैं उसका उत्तर कैसे दूसरा दूँ? तो ये किताब में मतलब हमारा पर्सनल, और इनफैक्ट किसी रिव्यू, मतलब इसका जो जिन्होंने रिव्यू लिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन कि ये किताब में आप एक किताब के पैसे से दो किताब पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें प्रणब मुखर्जी का पॉलिटिकल लाइफ के बारे में है, लेकिन साथ में वो एज अ पर्सन क्या थे, एज अ मदर, सॉरी एज अ फादर, एज अ चाइल्ड, यू नो व्हाट वाज हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो सब इसमें हैं। दूसरी बात, आपने जो भारत रत्न वाली बात करी, देखिए भारत रत्न जब उनको मिला तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए, और उन्होंने जो प्रश्न किया वो हो सकता है उनके अपना मन की बात नहीं हो, बट ही वॉज सेइंग कि ऐसे चर्चा बहुत चले। इस बारे में भी मैंने चर्चा किया कि क्या क्या चले, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल माहौल ही ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ को बिल्कुल सीधी तरह से नहीं ले जा सकते हैं। और यही बात मैंने बोला कि प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न मिला उसकी बात, उसकी वजह यही है कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर देश के हित में क्या करना चाहिए वो उस बारे में सोचा। ये खाली कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू या खाली बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू या लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस ये नहीं, और इसीलिए उनको एक कंसेंसस जनरेटर कहा जाता था, इसीलिए उनको एक फायर फाइटर कहा जाता था, और इसीलिए खाली प्रधानमंत्री मोदी नहीं, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, एलके अडवाणी जी, ज्योति बासु जी, सीताराम येचुरी जी, सभी उनको सम्मान करते थे। तो खाली ये प्रधानमंत्री मोदी या प्रणब मुखर्जी की बात नहीं है। और मैं ये भी पर्सनली सोचती हूँ कि मेरे बाबा को जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो अचीवमेंट प्रेसिडेंट बनना या भारत रत्न भी नहीं, वो जो रेस्पेक्ट उन्होंने गेन किया है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइन, अक्रॉस पीपल, अक्रॉस एवरी सेक्शन ऑफ पीपल, उनकी ही सबसे बड़ा देन है। और ये पर्सनल जानने के लिए आपने, आपको ये किताब पढ़ना जरूरी है। इट्स प्लेजर मैम हैविंग यू हियर एंड हियरिंग यू, थैंक यू फॉर दैट। मैम माय क्वेश्चन टू यू, एज यू सेड दैट नो वन आस्क्ड यू ऑन द पर्सनल लाइफ ऑफ प्रणब बाबा, सो माय क्वेश्चन टू यू इज मैम दैट बंगाली लिटरेचर कल्चर हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री and influences every stalwart from its culture. So how did Bengali literature affect life and influence the life of Pranab da personally, professionally and politically? Thank you. I mean totally, you know, this was my father, he was an avid reader, and he was an avid reader of Bengali literature, and his knowledge, his interest of Bengali literature was unbelievable. Like it's not only, you know, the well-known people like Rabindranath Tagore or Sarat Chandra or Bibhuti Bhushan, but, you know, his knowledge of folk literature of Bengal, you know, his knowledge of the history of Bengali literature, like it was so amazing. And, you know, like my father from top to bottom, you know, from his hair to his, to his toe,
he was a Bengali. You know, his the way he used to speak English was a Bengali. The way he used to speak Hindi was like a Bengali. So, of course, the Bengali culture, the Bengali literature would shape his personality, and he was what he was because of his background. थैंक यू एवरीवन. जो भी आपको एक दो सवाल किसी के हैं तो बाहर पूछ सकते हैं, साइन करवा सकते हैं.